तो बड़ा संकोच में एक बात कहनी थी। तो पार्वती ने पूछा कि निशाचर है कौन? उन्होंने कहा जो अच्छी बातें किसी के नहीं मानता वही निशाचर है। निशाचर कौन हुआ फिर? राक्षस है कौन? राक्षस कौन? किसी की अच्छी बात नहीं माननी। हमने तो पता नहीं कहा ये बात सुनी और सुनकर कुछ अच्छा सा नहीं लगा। दो चार बात सुनी हमने कि सुनो सबकी करो मन की। भाई ये कौन सी बात हुई? आपका मन इतना अच्छा थोड़ी हो सकता है कि आप अपनी, आपको सारी बातें आती कहाँ? ये बात हमने सुनी कहीं कि सुनो तो सबकी करो मन की। भैया मन की मत करना, आदेश के अधीन रहना, आड़ाए मम धम्मम अनुशासित होकर रहना, शास्त्र वचन के अनुकूल रहना। हम राम कथा आरंभ करने जा रहे हैं, आज पहला दिन है। राम को दो ही चीज प्रिय है, केवल दो। राम ने केवल दो बातें कही हैं कि मुझे केवल दो ही बातें प्रिय हैं। यद्यपि कृष्ण बनकर तो वो द्वादशवें स्कंध में 13 और 20 श्लोक तक बहुत बातें कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणे वच निर्ममो निरंकार आदि आदि आदि। लेकिन राम जी बड़े संकोच में, बड़े मर्यादा में। राम बहुत कम बोलते हैं, राम तो करके दिखाते हैं, बोलते नहीं। बाध्य कर दिया राम को बोलने के लिए ऋषि मुनियों ने, इतना बाध्य किया राम को बोलने के लिए, कुछ तो बोलो। आपको चाहिए क्या? रीझोगे कैसे? मिलोगे कैसे? आपका सत्य कैसे पता लगे? जीवन में आप जीव को कैसे अपनाएंगे? विधि क्या है? राम ने बस दो ही बातें कही, भाई ये दो चीजें मान ले कोई। मम अनुशासन माने जोई, बस मेरा अनुशासन कोई मान ले। तो ऋषियों ने कहा आपका तो कोई अनुशासन है नहीं, ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट आपने तो कुछ बनाया नहीं। लेकिन लिखा नहीं, कोई ऐसी पुस्तक है नहीं कि ये राम के कोड ऑफ कंडक्ट हैं, डूज एंड डू नॉट, कहीं आपके तो मिलते नहीं है। तो ये आपकी बात कौन सी माननी है? तो उन्होंने कहा कि शास्त्र के हर अक्षर में मैं ही हूं, शास्त्र को मानना है, शास्त्र की आज्ञा का पालन करना है, वेद की। अहम वेदम वेदाहमांतम, ध्यान से सुनिए भगवान क्या कह रहे हैं। मैं वेद हूं, अहम शास्त्रम, अहम अक्षरम। मैं अक्षर हूं, मैं शास्त्र हूं, मैं वेद हूं। पुराणम अहम, मैं ही पुराण हूं। अहम स्मृति, मैं ही स्मृति हूं। तो धर्म ग्रंथों में जो कुछ लिखा है उसका अनुशासन करना, गुरु से पूछकर पालन कर लोगे, वो बताएंगे युक्ति कैसे कैसे, भाई कठिन व्रतों का पालन कैसे करना है। निराश हो गए साधु महात्मा तो बोले महाराज ये थोड़ा कठिन कर दिया आपने अनुशासन। अब अनुशासन का पालन करना होता आपके पास आते? आप भोले भाले, सीधी सी बात बताओ। राम जी ने कहा चलो दूसरी बात सुन लो। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले उसो जान निहारा। भाई हमको प्रेम प्रिय है, हमसे कोई प्रेम करे? पूछा ऋषियों ने, आपसे प्रेम तो हम करते ही हैं। बोले मुझसे नहीं, मेरे पशु पंछी परिंदों से, वनस्पतियों से, मेरे जगत से, मेरे रचना से, मेरी पूरी कायनात से। तो राम देखने में तो हैं बड़े सीधे, उपदेश कितने हल्के से कह दिए, अनुशासन फिर कह रहे कि प्रेम, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले उसो जान निहारा। प्रेम माने क्या? सब में प्रिय। गीता के राम को कौन सा प्रेम चाहिए मैं आपको वो बता रहा था, सीक्रेट बता रहा था, वो आप ढूंढ लेना, गीता में मिलेगा। 12वें अध्याय में 13वें श्लोक से लेके 20वें श्लोक तक ये जो 8 श्लोक है इसे अमृताष्टक कहते हैं। इसको फॉलो करिए तो आपको पता लग जाएगा राम किस प्रेम की बात कर रहे हैं, राम कौन सा प्रेम चाहते हैं। समय प्रिय,